उसी में यहाँ से 10 बजे चले गए थे, अपने 10,000 रुपये लेके गए थे नीलम के लिए। उन्होंने ताश खेलने गए, फिर उन्होंने पता नहीं उन्होंने पार्टी की कि नहीं की, हमने तो काम तो कर ही थे। उन्होंने उनके साथ पी एफ आई के बाद में उसको पूरी तरह से मार दिया। लास्ट बार बात कब हुई थी आपकी? जब गए जब बोल कर गए थे बस थोड़ी से बोल के गए थे, मैं थोड़ी देर में आऊँगा बस, उसके बता के गए थे आप? थोड़ी देर बाद आऊँगा, फिर वो पूरी रात गई थी, पूरी रात इंतजार किया। रामबज की माता जी हो जी आप? हाँ जी। तो आप तक कुछ बताया कि किस तरह की बात हुई है, या फिर किस तरह के रंजिश बाजी थी, या फिर लड़ाई झगड़ा था? ना पल्ला की कोई रंजिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। घर तक के कुछ कह के गया था? घर तक गया था है, एक तो उसका फोन खो गया था, सिम बंद करवाने गया था। अच्छा। फिर उसका मौसम है ना 10,000 रुपये लेके न उसने फोन कर दिया, भाई मन राम बजती दे दिए 10,000 रुपये, तो सामान ले गया था माँ की, मैं घी गया ले आऊँगा और मैं टेम तय आ जाएगा, रोटी भी नहीं खा के गया। पूरी रात बेटे इंतजार करया कोनी आया, सवेर है ना उसकी लाशें मिली, इतना बेरहमी तो है ना, इतना बेरहमी तो है ना, वो मारया मेरा बेटा, कोई है ना अंदाजा नहीं है। अरे तू 10,000 रुपये ले ले रहे, जिंदगी है ना किसी की लेनी आसान बात नहीं है, फिर उन्हें तो ऐसी आसान बना दी। इतना मातम छ गया इस घर में, वो इतना बूंदा कैर बरस गया, ईसा किसी माँ का गला ईसा गंदा काम ना हो, अक जो कि उड उड बेटे चले जाओ। अब मन इंसाफ चाहिए बेटा, मैं इंसाफ चढ़ा कहना चाहूँ, और इंसाफ मन चाहिए भाई, किस कारण तो मारा गया है यो खुलासा है ना करवाना चाहूँ हूँ मैं, किस कारण तो मारा गया भाई। पीछे थे पीछे ले लो रे, 6 दिन का उसका लड़का है, आज 12 दिन के कोई है जच्चा, तो उस पर के बीत रही है, मैं माँ हूँ, उड उड बेटे नौजवान बेटे चले जाएंगे इस दुनिया में, तो रह के जागा बेटा है ना। मैं गणित कितने की उम्र थी रामबज की? 30 साल भी को नहीं, 28-30 साल का मसा था, पहला बेटा है उसका जेठा, जेठा ही लड़का है, जेठा ही लड़का है। और उसकी माँ का रैम सुनोगे तो वह है ना पीछे की इतनी दुखिया है ना, उसके माँ ना उसके बाप है, और उसका सिरकासा भी चला जा, हर माँ का बेटा चला जा है, हर बाप का बेटे का बाप चला जा है, तो जिंदा क्यों करो इस लाड तो पड़ेगा। उतड़ के है न भगवान उसका जिंदगी लगावा, उतड़ के बाप भी मांगेगा, माम ने भी न पूछेगा माँ मेरा पापा कित बेटा मैं कितना सफ़र करूँ, मैं सफ़र मेरे पौधा नहीं है, इतना दुख भरया है मैं कह नहीं सकती। और आगे हाँ छठी मना ली थी, छठे वाले दिन उसका फोन है ना परली बस्ती में ठा लिया था। फिर वो सवेरे उठा है, उन्होंने पूछताछ करके आया है, कहिया तो पूछे भैया हमने तो नहीं मिला, फिर उन्होंने बोला मैं असीम बंद करवाया हूँ, असीम बंद करवाने गया पीछे है ना मौसम बाजार ते लिए बैंक ते, बैंक तरफ पी लिए हैं। फिर वो मौसम ने फोन कराया भाई मैं रामबज का फोन तो है नहीं, मैंने पीछे दे दिए, और ना सामान लिया ना बेटा उल्टा ही नहीं आया, उसकी तो लाशें आई, बड़ा बेरहमी तो मारे हो ईटांग तवार करया है। यारी दोस्ती कुछ है कौन थी उनके साथ में? दे बेटी मन ने नहीं बेराई, माँ न कौन बताओ है भाई यार दोस्तान भी कदे आए जाए ना, अपने घर नहीं आए कदे भी, कदे नहीं आए, नाम नुम सुने हो फोन पान आंदे ना कदी बार। जी छठी थी, छठी के बाद उसके दोस्तों ने पार्टी पुर्टी दे दी, पार्टी तो आग लेन कहे है भैया हमने पार्टी ली है, पार्टी ले के मारया हो उसने पार्टी दिया, हाँ दे है उसने दे ही है, वो खुद कहे है भैया हमने तो के बेरा भाई पूरे दिन में उन्हें के करया के नहीं भाई, वो तो पूरे दिन का ही उड़े, फिर रात लिकड़गी तो किस टाइम मारया है उसका, तो हमने तो पता ही नहीं लग गया भाई उसका गला के कारण होया है, किस वजह तो मारया है। दारू तो बिल्कुल कौन पिया करता, उस दिन बैठ के पी हो तो उसने पियो भैया, हम कुछ नहीं कह सकते, देख हमने तो है लाशें मिली थी ना पल्ला हन नशा ही दारू दुपारू का नशा नहीं कराया करता। वो कितने बच्चे हैं जेठाई है, कितने बच्चे कड़े हैं? एक साल हुए रामबज के साथ दिन, ढाई एक साल हुए हैं, ढाई एक साल, हाँ जेठाई लड़का, हाँ जेठाई लड़का।
परिवार में जो खुशी अच्छा रही थी, लेकिन हाँ। परिवार में जो खुशी थी वो मातम में बदल गई है। हाँ, एक माँ का लाल चला जाओ उस माँ पे के बीतरी होगी, आप सोच भी नहीं सकते एक माँ समझ सके ये दर्द, तो आप कैसी मांग जाओ प्रशासन ते। देखो राम बज तो गया, लेकिन उसके जो दोषी है उन्हें सख्त सख्त सजा मिलनी जरूरी है। उन्हें ऐसी सजा मिले अक्की से माँ का बेटा नहीं छीने, वह भी है ना नुए है ना दुनिया में तो चले जावे, वो उनका फांसी का हुक्म हो। मैं तो यह चाहूँ हूँ अक्की देश में आतंक नहीं फैल रहा है, भाई वो कुछ भी करे थे तो मेरे बेटे के पीछे ले लिए थे, जान क्यों ली। मैं तो यूँ है ना यह बार बार है ना पूछू हूँ भाई क्यों जान ली, भाई कोई पहल की रंजिश थी, क्यों थी, किस कारण थी, किस लिए जान ली गई। अरे जान लेना किसी की आसान बात नहीं है, मारा पिट्टी हो जा कर कोई बात को नहीं होती, पर ऐसा जुलम तो है ना मेरे घर में होया है, ऐसा जुलम किसे मांग लेना। पुलिस की ऐसी कार्रवाई कर रही है जी, पुलिस तो है ना उन गिरफ्तार कर रखे हैं। वो है नू कैमरे में आई है नू कौन पिछाना था, सीसीटीवी में आई फोटो। हाँ उड़े आई है वो जित है ना मार के गिर रखा ना उनका लग रहे होंगे, मन्नत दे उस जगह का बेरन भाई मन कौन जान दे था, मैं तो जच्चा दौरा थी तो वह सारा मौका है ना उनने देख रखा है, उस मार भी रहे हैं बड़ा बेरहमी थे उसको परिवार किया गया है। और चार इटा कट्ठी पाड़ के अरजब उसका सर के ऊपर वार गया है, इट्टा तो वार करया गया है ना आई है भाई, पौना घंटा तड़फिया है। यह बात कही होने तो बेटा और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मन इंसाफ चाहिए। राम बज की पत्नी तो बात है उसका, उनकी पत्नी कैसी है राम बज की पत्नी। देखो बेटा नू बताओ इतना दर्द हुआ किसी हो सके, क्या बता दे। हाँ ऊपर तो जच्चा है, अरे वो दर्द है ना इतना मात्र में छह रहा है कि भाई जो भी सुने है ना वही बात है, और मेरा तो भीतर तो मेरा है ना इतना उगल उगलाव है, मैं दिन रोलू रह मन के दिख है मन दिखता नहीं है, ये उसने किस चीज़ का दिल दो बजूंगा नू बताओ। गैल न माँ भी नू छाती का लाने वाली को नहीं, हाँ मैं माँ ला ले चाहे सासू ला ले, मैं कई एक साल जीऊँगी इसे इसे दुगाड़ी लग गए है। नाम के जी आपका? मोनिका। मोनिका तो राम बज कुछ बता के गए थे आप तय कि उसकी किसी के साथ में लड़ाई लुड़ी हुई हो? ना जी कोई कुछ बता के ना, कुछ भी नहीं बता के गए। ओ उसके माँ बाप तो नहीं बताया, लेकिन पति पत्नी आपस में सारी बात शेयर करें, आप तो बता दिया। ना जी मैं तो कुछ लड़ाई दंगा के बारे में कुछ मैटर को नहीं, ना कदे उनका फोन फान आया, ना कोई फोन फान आया उनका। नु कहते पार्टी कर रहे थे आपस में लड़का होने की, सामान लेने गए थे मेरे लिए, घी लेने के लिए गए, घी लेने खातर गए थे देखो मोनिका खातर, और वापिस नहीं आए हैं। सुबह को उसकी लाश ही आई तो मेरे लाशें मिले। देखो इस पत्नी पर के बीतरी होगी, जिसका पति की इतने निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और इस देखो जच्चा है इसने, इसका जो बच्चा है इसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, इसने तनु भी नहीं मेरा बाप हो के है, यो भी बड़ा होकर ना बाप पूछेगा मेरा पापा कड़ा है, तो देखो इंसाफ तो मिलना चाहिए परिवार ने, जो हत्यारे है उनने सख्त सख्त सजा होनी चाहिए, और आज तो इसकी हत्या करी कल ना किसी और की भी कर सके, वो तो वह खुले नहीं घूमने चाहिए, उन्हें सख्त सख्त सजा होनी चाहिए बिल्कुल।